हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए ये पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको अस्तर का कपड़ा, पेस्टिंग, नेट का कपड़ा, लेस, पॉलन, फॉर्म फ्लावर, स्टोन चेन, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी। कलर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे बना सकते हैं, कितना मेजरमेंट आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 10 इंच लंबाई चौड़ाई का एक स्क्वायर पीस पेस्टिंग में से कट कर लिया है और इसके पीछे मैंने ये साटन का कपड़ा पेस्ट कर लिया है। आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे गोपाल जी के पोशाक का डायमीटर 10 इंच होता है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई 10 इंच ले ली है। आपके गोपाल जी की पोशाक का डायमीटर जितना भी होता है, आप भी उसी हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लें। अगर आपके गोपाल जी की पोशाक का डायमीटर 9 इंच होता है तो आप इसमें 9 इंच लंबाई चौड़ाई का एक स्क्वायर पीस कट करें। 10 इंच होता है तो 10 इंच कर लें, और 11 इंच होता है तो 11 इंच लंबाई चौड़ाई का स्क्वायर पीस कट कर लें। जितना भी आपका डायमीटर होता है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई का आप ये स्क्वायर पीस कट कर लें। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे हम कपड़ा सिलेंगे। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिया है क्योंकि हम इसके ऊपर इसको फोल्ड करते हुए सिलेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसके ऊपर इसको सिल लेंगे, जिससे कि इसके साइडों से धागे नहीं निकलेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। इस तरीके से इसको सिलने के बाद अब इसकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस कॉर्नर पर कमर का निशान लगाएंगे। तो ये पोशाक मैं 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर 0.6 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये काफ़ी मोटा हो गया है तो ध्यान से कटिंग करेंगे। अब इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे क्योंकि ये अस्तर खुल गया है। देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर नेट लगाएंगे। तो नेट लगाने के लिए हम इसका ये वाला, ये कॉर्नर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन नाप लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे तो ये देखिए 6 इंच आ रहा है। 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है, 6.25 के आसपास है। तो
तो हम नेट के कपड़े में से सब 6 इंच चौड़ी और 70 इंच लंबी पट्टी कट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 35-35 इंच लंबी 2 पट्टियाँ नेट के कपड़े में से कट कर ली हैं। पूरी एक पट्टी नहीं कट पा रही थी 70 इंच लंबी। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें हम अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो डायरेक्ट बेस के ऊपर हम इनको लगाएंगे। तो ये देखिए, जहाँ से हमने कट किया था वहाँ पर हम इसको इस तरीके से प्लेट डालकर सिलेंगे। इस तरीके से प्लेट बनाएंगे और यहाँ पर सिल लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। अब फिर से प्लेट बनाएंगे और इस बार तिरछी प्लेट हमें बनानी है, यानी कि इस साइड से कम चौड़ी और इस साइड से ज़्यादा चौड़ी, गहरी गहरी प्लेट बनानी है और जस्ट इसके बराबर में सिलेंगे इस तरीके से। अब फिर से प्लेट बनाएंगे उसी तरीके से, तिरछी तिरछी प्लेटें बनाते हुए इस कमर वाले पोर्शन में सिल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करनी है, आगे की साइड से इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, लगभग 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जस्ट इसके बराबर में इस तरीके से रखेंगे, जिस तरीके से हम दूसरी पट्टियाँ प्लेट डालकर लगाते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको इसके बराबर में लगा देंगे। अब फिर से तिरछी तिरछी प्लेट बनाते हुए इस पट्टी को भी उसी तरीके से अटैच कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहली पट्टी को लगाया है। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाने के बाद अब हम इस साइड में भी इसको लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम प्लेट को सेट करते जाएंगे। ये देखिए, वैसे तो प्लेट सेट ही हैं, फिर भी एक बार पास पास इनको कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर लग रही हैं। तो इस तरीके से सेट करते हुए जिस शेप में हमारा बेस है उसी शेप में हम इसको सिल लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। तो इस तरीके से इसको सेट करने के बाद अब इसको उल्टा करेंगे और साइडों से इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा नेट को हटा देंगे। इस तरीके से इसकी फिनिशिंग करने के बाद अब मैंने ये सिल्वर कलर की लेस ली है, ये देखिए, इसको हम इसकी चारों साइडों में लगा लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए चारों साइड में लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर लगाते हुए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। तो कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे पीछे की साइड में, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तिरछा। तो ये यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा और अब सिलाई लगाकर उसी तरीके से अटैच कर लेंगे।
ये लेस यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसको आगे की साइड से लॉक कर लेंगे। तो लॉक करने के लिए मैंने ये टिश्यू रिबन लिया है, इसकी हेल्प से हम इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए लॉक कर लेंगे। यहाँ से इसको लॉक करने के बाद अब हम इसके ऊपर नेफा लगा लेंगे। तो नेफा लगाने के लिए हम नेट के कपड़े में से 2.5 इंच चौड़ी और जितना हमारा ये पोर्शन है उसमें 1 इंच प्लस करके एक पट्टी कट कर लेंगे। तो ये पट्टी मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको उल्टा करेंगे। लगभग 1/2 इंच बाहर की साइड इस तरीके से निकालते हुए इस पूरे पोर्शन में हम इसको सिल लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसको सिलने के बाद अब इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डोरी रख लेंगे। और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाकर नेफा बनाकर तैयार कर लेंगे। और सिलाई लगाते हुए स्टार्टिंग में डबल सिलाई लगाएंगे और ध्यान रखेंगे सिलाई डोरी के ऊपर ना लग जाए, नहीं तो डोरी भी इसी में सिल जाएगी। तो चलिए सिल लेते हैं। तो इस तरीके से ये घेर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने साटन के कपड़े में से 2 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी एक पट्टी कट कर ली है और इसके पीछे मैंने ये पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर दिया है और सेम साइज़ का मैंने ये अस्तर का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको तिरछा कट करेंगे। और यहाँ पर नेक कट कर लेंगे। नेक ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी कट करनी है और आगे से इसको कट कर लेंगे। हल्की हल्की गोलाई दोनों साइड करेंगे। और अब अस्तर के कपड़े के ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ 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 और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और उसके बाद में इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 3 साइड टिश्यू रिबन लगाकर इसको लॉक कर लेंगे और बांधने के लिए डोरी लगा लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी पोशाक को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है। तो ये देखिए, इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये गोटा फ्लावर लिए हैं और ये फॉर्म फ्लावर है, पिंक कलर में मैंने ये लिए हैं। और इस टाइप की ये पॉलन मार्केट में आते हैं, ये मैंने ले लिए हैं। इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, पीछे की इनकी डंडियाँ मैंने हटा दी हैं। तो हम इसकी हेल्प से इनको डेकोरेट करेंगे।
तो देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ कॉर्नर पर हम एक गोटा फ्लावर नीचे की साइड पेस्ट कर लेंगे और इसकी साइडों में हम इस तरीके से ये पॉलन लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से लगाने के बाद इसके बीच में हम ये फ्लावर लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स और पोलन मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने ये सिल्वर कलर की स्टोन चेन ली है, इसमें से हम इस तरीके से एक एक लाइन कट करेंगे ये देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टोन चेन लगाकर मैंने यहाँ पर इसको डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।